हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप लोग ने मेरा थंबनेल देख के मेरा वीडियो को ओपन किया है, मैं समझ सकता हूँ। और मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है हाउ टू अनलॉक ऑल एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मतलब किसी भी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें बिना सर्विस सेंटर गए और बिना डाटा लॉस किए हुए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड, मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है, चाहे वो मोबाइल आपका सैमसंग क्यों ना हो, रेडमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, या रियलमी है, या पोको है, या वन प्लस है, बस आईफोन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आईफोन है, वो लॉक हो चुका है, तो उसको अनलॉक करने का तरीका भी मैं बता रखा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हो और अपना आईफोन अनलॉक कर सकते हो। और अगर आईफोन के अलावा भी अगर आपके पास मोबाइल है और उस मोबाइल में आप अपना फ़ोन में पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक लगा के आप अपना पासवर्ड पैटर्न भूल गए हो फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करके आप अपना मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो, चाहे वो पासवर्ड पैटर्न पिन क्यों ना हो, स्क्रीन लॉक फिंगरप्रिंट क्यों ना हो। इस वीडियो के मदद से आप स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक भी तोड़ सकते हो। फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना सर्विस सेंटर गए घर बैठे अपना फ़ोन अनलॉक किया जाता है, और वो भी कैसे किया जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। और इस प्रोसेस को करने में आपको लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड, आप अपना फ़ोन खुद से अनलॉक कर सकते हो घर बैठे अपने हाथों से ही। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे, आप देखोगे नीचे इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं जहां पे आप वर्क कर सकते हो, तो आपको फाइनली इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना होगा फ्रेंड। इस पेज में जब आप आओगे तो आप देख सकते हो कि इमरजेंसी कॉल के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। और इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा कोड का इस्तेमाल करना है फ्रेंड, जो कोड गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड होता है, *#8#9#*#8#9#। ये कोड डालते ही के साथ फ्रेंड आप देखोगे कि आपके सामने एक पेज खुला है, सॉरी ये गलत जगह पे क्लिक हो चुका है, एक पेज खुला है जिस पेज का नाम साफ साफ यहाँ पे इंजीनियर मोड लिखा हुआ है। फ्रेंड, मैं फ़ोन को इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड। तो इस इंजीनियर मोड में आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा, लेकिन आपको वही वर्क करना है जो वर्क आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने माइंड से कुछ नहीं करना है फ्रेंड। चौथा नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है मैनुअल टेस्ट पे, फर्स्ट पेज छोड़ देना है, सेकंड पेज पे आना है डिवाइस डबिंग पे। डिवाइस डबिंग पे आने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे उस वर्क को, उस वर्क के पास जिस वर्क से हमारा डाटा रिकवर होगा। तो आपको जी सेंसर के नीचे दिख रहा है जायरोस्कोप और एम सेंसर के ऊपर है जायरोस्कोप, तो यहाँ पे जायरोस्कोप पे क्लिक करेंगे और जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट जो है फ्रेंड इस टेस्ट को हम देंगे और यहाँ पे पास आना चाहिए फ्रेंड, तो जाकर आपका फ़ोन अनलॉक होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, बहुत सारे फ़ोन में क्लिक कीजिएगा आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन देगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये टेस्ट देंगे और देखेंगे कि पास आता है या फेल। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे पास आया है और यही पास की आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पास आया, अब हम इसको बैक करेंगे और अब हम आपको बताएंगे फ्रेंड कि डाटा रिकवर कैसे किया जाता है, जो सर्विस सेंटर वाले कभी ना बताते हैं ना कभी दिखाते हैं, वो फ़ोन भी अनलॉक करेंगे तो दिखा के नहीं, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ फ्रेंड आपके आँख के सामने कर रहा हूँ। और ये डाटा डिस्प्ले जो तीन नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और अगर यहाँ पर ही पास दिखा और पास नहीं भी दिखा उससे कोई मतलब नहीं है, डाटा रिकवर कैसे होता है ये ज़रूर आप देखिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो फ्रेंड कि एक्स वाई जेड यहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे की ओर रिकवर हो रहा है, इसको 30 तक नीचे की ओर रिकवर होने दीजिए। अगर ये 30 तक रिकवर हो जाता है फ्रेंड, तो आपका फ़ोन का टोटल डाटा भी रिकवर हो जाता है, जो सर्विस सेंटर वाले नहीं छोड़ते हैं। 30 प्लस हो चुका है, अब हम इसको बैक करेंगे। ऊपर में आप देखोगे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो जो वर्क कर रहा हूँ फ्रेंड सेम वर्क आप भी करना। सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन में दो ऑप्शन है, मैं फ़ोन को थोड़ा आगे ले आता हूँ, दो ऑप्शन है और ये दोनों ऑप्शन को आपको स्टार्ट करना है, दोनों ऑप्शन को।
अगर आपके फ़ोन में 3 है 4 है 5 है 6 है सबको स्टार्ट कर दीजिए, एक पास आना चाहिए तो ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा, बस एक पास। तो हम ये दोनों को स्टार्ट कर देते हैं, येलो कलर का होगा जब स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला फेल हो चुका है फ्रेंड, दूसरा पास हो चुका है, मुझे एक ही पास की आवश्यकता थी ये बात तो आपको ही पता है। तो हम अब इसको बैक करेंगे, चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम होता है अदर्स। अदर्स पे आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, लेकिन यहाँ वर्क करना है 3 ऑप्शन में ही। तो पहला सेकंड ऑप्शन को जब क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम में कैंसिल कर दीजिएगा और सेकंड टाइम में इसको ओके कर दीजिएगा। अगर आपके ही फ़ोन में ये रॉन्ग पासवर्ड शो करे तो आप समझ जाइएगा पासवर्ड रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। 3 नंबर ऑप्शन है फ्रेंड की स्टेटस का, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पास है या फेल। अगर यहाँ पास है तो आपका पासवर्ड पैटर्न पिन टूट चुका है मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से। हम क्लिक करते हैं और देख सकते हो आप फ्रेंड कि यहाँ टोटल जगह पास 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 है, और मैंने बोला है कि यहाँ पास रहेगा तो आपका पैटर्न पिन पासवर्ड टूटा हुआ रहेगा। तो आपको फाइनली लास्ट वर्क यहाँ पे करना है फ्रेंड, रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर यहाँ पे भी पास आ गया तो आपका फ़ोन अनलॉक वो भी विदाउट डाटा लॉस। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी पास आ गया तो हम डायरेक्ट होम बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सच में भाई आपका तो फ़ोन अनलॉक और वो भी विदाउट डाटा लॉस। आप अपने आँखों से देख सकते हो फ्रेंड कि ये फ़ोन लॉक से अनलॉक हुआ है और वो भी विदाउट डाटा लॉस हुआ है, जो कि पासवर्ड लॉक था। तो फ्रेंड आपका मैंने पैसा बचाया, समय बचाया और डाटा भी बचाया, एक भी डाटा डिलीट नहीं है, टोटल का टोटल डाटा सेफ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते तो आपका पैसा लगता, समय लगता और डाटा भी लग जाता, लेकिन मैंने ये सब बचाया और आपका फ़ोन भी अनलॉक कराया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।